दौड़ नहीं सकोगे आप, सुन रहे हो? अब आप भागना चाहते हैं, भाग नहीं सकोगे, धीरे धीरे कीली की चाल चलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पर्वत में विश्व विख्यात आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। जैन परंपरा अनुसार उन्होंने विधि व संलेखना धारण की और ब्रह्मलीन हो गए। जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार रात 2:30 बजे देह त्याग की थी। रविवार को दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 3 दिन का उपवास धारण किया था। उन्होंने आहार और अन्य चीजों का त्याग कर मौन धारण कर लिया था। संघ संबंधी कार्यों से भी निवृत्ति ले ली थी। उसी दिन उन्होंने आचार्य का पद भी त्याग दिया। एक प्रकार से बहुत बड़ा अंधकार छाया कि जल सूर्य अस्तत्व की ओर हो गया। उन्होंने आचार्य पद के लिए योग्य प्रथम मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को योग्य समझा और उन्हें आचार्य पद दिए जाने की घोषणा की थी। मुमुक्षु भव्य जीव है जो धर्म की पिपासु, मुमुक्षु भव्य जीव है उनके उस प्यास को बुझाने के लिए एक पवित्र महान आत्मा का अवतरण प्रातःकालीन वेला में हो चुका है। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलगाम जिले के सदलगा गांव में हुआ था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। उन्होंने 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें अपना आचार्य पद सौंपा था। 22 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ उन्होंने दीक्षा ली थी। उन्होंने अपने संन्यास जीवन के लिए बहुत कठिन नियम बनाए थे। दूध दही हरी सब्जियां और सूखे मेवे कभी नहीं खाए। पानी भी दिन में सिर्फ एक बार अपनी अंजुली से भरकर पीते थे। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश में विहार किया। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत प्राकृत सहित हिंदी मराठी और कन्नड़ भाषा जानते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई किताबें लिखी हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके जीवन पर मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। ऐसे जैन पंथ के पूज्य संत आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत एवं संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें कोटि कोटि नमन।